नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम चतुर्भुज को पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुज मैथ में जब क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर चतुर्भुज से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम जितने भी चतुर्भुज थे, जितने भी उसके फैक्ट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके सवाल लगाएंगे। तो यहां पर हम चलिए चतुर्भुज को पढ़ते हैं। चतुर्भुज को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्री लिटरल। चतुर्भुज को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, आप किसी भी विषय को पढ़िए, इसका आवश्यक होता है कि आप चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज है तो इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके अंग्रेजी नाम आपको पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा जान लेते हैं। चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो परिभाषा इसकी है कि चार भुजाओं या रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। उनको चार भुजा बनानी है, जैसे देखिए हम बना लेते हैं। ये हो गई, तो आयताकार है ये चतुर्भुज। तो चार भुजाओं, इसमें एक देखिए नामकरण पर रहते हैं ए बी सी और डी। तो देखिए इसकी चार भुजा कैसे हुई, ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा, सी डी एक भुजा और डी एक भुजा, कुल मिलाकर एक दो तीन और चार भुजा। तो चार भुजाओं से बनी, चार भुजाओं या रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, देखिए आकृति जो है ये बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। इसको दो टॉपिक है, पहला कि इसके अंतःकोणों का योगफल और दूसरा इसके बहिष्कोणों का योगफल। दो टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। तो हम जानेंगे इसके क्या है अंतःकोण, मतलब ये जो अंदर का कोण है, एक ये, एक दो, एक तीन, एक चार, इन चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो इन चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 360 अंश। बहिष्कोण कैसे? बहिष्कोण जैसे देखिए ये एक बहिष्कोण, एक दूसरा बहिष्कोण, ये आपका तीसरा बहिष्कोण, ये आपका चौथा बहिष्कोण। तो इन चारों बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, इसको सही समझ लीजिए, 360 अंश। तो इसके अंतःकोणों का योगफल और बहिष्कोणों का योगफल बराबर होता है 360 अंश और 360 अंश। अब आइए इसके विकर्ण के बारे में जान लेते हैं। इसके विकर्ण दोस्तों ये होता है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों, देखिए दोस्तों एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ए, एक बी, एक सी, एक डी। तो किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों, बी और डी सम्मुख है, ए और सी सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, देखिए इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या है, इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। परिभाषा लेकर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, विकर्ण हेडिंग के तौर पर रहेगा, लिखा जाएगा कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसकी विकर्ण होती है। क्या होती है? उसकी विकर्ण होती है। इस बात को आपने समझ लिया अभी तक? किसकी परिभाषा है? चार भुजाओं या रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं या चतुर्भुज कहलाती है, चार भुजाओं या रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। इसके अंतःकोणों का योगफल 360 अंश, ये और ये, और बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। विकर्ण इसकी है, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसकी विकर्ण कहलाती है, विकर्ण होती है। अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो हम पढ़ेंगे अब चतुर्भुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अंग्रेजी में कहते हैं। तो दोस्तों ये कितने होते हैं? ये पांच प्रकार के होते हैं, ये पांच प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन पांच प्रकारों को देख लेते हैं। पहला है आयत, इंग्लिश में इसे कहते हैं रेक्ट एंगल। दूसरा है आपका वर्ग, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। तीसरा आपका है समांतर चतुर्भुज,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरालेलोग्राम। एक बार तो क्वेश्चन यहीं से बन गया था, इसको इंग्लिश में कहते क्या है? तो इस इंग्लिश नाम याद करना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बन सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। चौथा है समचतुर्भुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रॉम्बस। और पांचवा है समलंब चतुर्भुज। पांचवा क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपीजियम। तो आज बस हम यही तो पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो आइए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पहले चतुर्भुज को पढ़ा, चतुर्भुज को आज पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। परिभाषा हमने पढ़ी कि चार भुजाओं या रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं या फिर चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाएं हमने चित्र के माध्यम से देखी कैसे है। इसकी अंतःकोणों का योगफल जो है 360 अंश होता है और बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। फिर हमने विकर्ण देखे बीडी और एसी। इसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, विकर्ण होती है। ठीक है, ये देखिए सम्मुख शीर्ष हैं ए और सी, बीडी इसी को मिलाने वाली जो रेखा यही विकर्ण कहलाती है। फिर हमने देखा चतुर्भुज के प्रकार। तो ये पांच प्रकार के होते हैं। पहला है आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा है वर्ग, जिसको इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं। तीसरा ये देखिए जो है क्यों है स्क्वायर। तीसरा है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। चौथा है समचतुर्भुज, जिसको हम रॉम्बस कहते हैं। और पांचवा है समलंब चतुर्भुज, जिसको कहते हैं ट्रेपीजियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के एक एक के आयत के वर्ग के समांतर चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के समलंब और सम चतुर्भुज के इन सभी के डीप वाइज मतलब एक एक को करके हम पढ़ेंगे पूरा। जितने भी सूत्र इसमें आयत में कौन सूत्र लगता है, वर्ग में कौन समांतर चतुर्भुज में, सभी में जो जो सूत्र लगते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सवालों पर अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।